हेलो गाइस, तहजीब हियर फ्रॉम पैराडाइज हो। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये डिस्प्ले पे मैंने यार अपना फेस ड्रॉ किया हुआ है। कैसे आप अपना फेस ड्रॉ कर सकते हो? बहुत आसान से स्टेप है। आपको 10 ऑफ लाइन कोड लिखना पड़ेगा, यानी 10 लाइन आप लिखोगे आपका फेस जनरेट हो जाएगा इस डिस्प्ले पे। तो इस डिस्प्ले को मैंने नोड एमसीयू के साथ कनेक्ट किया हुआ है। आपके पास कोई दूसरा आर्डिनो का बोर्ड है, आर्डिनो ऊनो मेगा, आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। इस डिस्प्ले की अगर बात करें, इसका रेजोल्यूशन है 128x32, यानी इस कॉर्नर से लगा के इस कॉर्नर तक जो पिक्सल की डेंसिटी होगी वो होगी 128, और इस टॉप से लगा के इस बॉटम पर 32, यानी 32 पिक्सल इसके होंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक। तो अभी जो कोड है यहाँ पर लिखा हुआ है, जब मैं इस डिस्प्ले पे स्विच होगा तो आपको पूरा अच्छे से समझा दूंगा। अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ तो आपको 300 रुपीज में ये मिल जाना चाहिए मार्केट में, तो 300 या 350 रुपीज के अराउंड आपको मिल जाएगा। और इसको मैंने कनेक्ट किया हुआ, कैसे कोड काम कर रहा है मैं आपको पूरा समझा दूंगा। 10 लाइन का कोड है, वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो अभी इस डिस्प्ले पे मिलते हैं। तो गाइस, अभी हम इस डिस्प्ले पे स्विच हो गए हैं। तो अभी हमें देखना है आर्डिनो ऊनो के साथ और नोड एमसीयू के साथ कैसे कनेक्शंस करने हैं ओएलईडी डिस्प्ले के। तो ये नोड एमसीयू है, इसके साथ कैसे कनेक्शंस करने हैं वो देखनी है। इसके बाद हमारे पास ऊनो अगर है तो कैसे कनेक्शन करना है वो भी आप देख लो। ये मैं दोनों फ़ोटोज़ और ये बाकी जो भी मैंने कोड किया हुआ है वो मैं सारे जिप फाइल बना के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ये अगर हमारे पास ऊनो है तो उसके साथ कैसे कनेक्शंस करना है वो भी हम देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने फ़ोटो अपने ओएलईडी डिस्प्ले में अपलोड किया हुआ है वो भी मैंने यहाँ पे रखा है। ये मैं पूरा फोल्डर अपलोड कर दूंगा। अभी मैं चाहता हूँ ये लाइक जो सिंबल है मैं इसको डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। तो कैसे डिस्प्ले करना है उसके लिए हमें सबसे पहले जाना है, एडिट करना है, और हम जो भी पर्टिकुलर पोजीशन डिस्प्ले कराना चाहते हैं उसको हम क्रॉप कर सकते हैं। मुझे क्रॉप नहीं करना है क्योंकि मुझे पूरा ये डिस्प्ले कराना है। तो अभी मैं रिसाइज में गया, रिसाइज में जाके हमें पिक्सल पे जाना है। पिक्सल पे जाके जाने के बाद हमें यहाँ पर एक कुछ बातें ध्यान रखनी है। पहले तो हमें पता होना चाहिए हमारी डिस्प्ले का साइज़ क्या है। तो हमारी डिस्प्ले का जो रेजोल्यूशन है वो 128 और 32 है, यानी 128 पिक्सल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में 119 आ रहा है, वर्टिकल हमारी 32 है। तो जो भी साइज़ रखोगे आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, वो एक्चुअल डिस्प्ले की साइज़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी बराबर होना चाहिए। तो अगर मैं रखता हूँ ऊपर 128 जो कि मेरा ठीक है, लेकिन वर्टिकल में ये ज़्यादा हो रहा है, तो हमें कैसे सेट करना पड़ेगा। नीचे से सेट करता हूँ, मैंने 32 किया तो ऊपर 34 सेट हो गया, तो ये परफेक्ट है। क्योंकि अगर मैं ऊपर ज़्यादा करने की कोशिश करूँगा तो नीचे की वैल्यूज़ भी ज़्यादा हो जाएंगी। तो अभी मैंने इसको क्लिक किया, अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको नाम देता हूँ लाइक वन। ओके, इसको बंद किया। अब हमें जाना है ब्राउज़र पे। ब्राउज़र पे जाने के बाद ये जो आप वेबसाइट देख रहे हो, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इस वेबसाइट पे पहुँच जाओगे। सबसे पहले सेक्शन में जाना, यहाँ पे हमें करना है। हमने ये इमेज इसको अभी क्रॉप किया और रिसाइज किया। उसके बाद हमें दूसरे सेक्शन में जाना है, यहाँ पर कैनवास साइज़ यानी डिस्प्ले का साइज़ कितना है। मेरी डिस्प्ले का साइज़ है, आप नीचे प्रीव्यू में देख सकते हो, यहाँ पर मैंने जैसे लिखा, देखो ये जो ब्लू सेक्शन दिख रहा है, बॉक्स दिख रहा है, ये बढ़ गया अपने आप। तो यानी ये डिस्प्ले का, ये इतने साइज़ की हमारी डिस्प्ले है। उसके बाद ये आप देख सकते हो बैकग्राउंड कलर वाइट रखना है, ब्लैक रखना है। जैसे मैंने इसको यहाँ पे ब्लैक किया तो देख सकते हो बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया, तो मैं इसको वाइट रखता हूँ। यहाँ पर आप ट्रांसपेरेंट भी रख सकते हो, इमेज को इन्वर्ट भी कर सकते हो, यानी होल ऑफ इमेज जो भी है उसका कलर चेंज हो जाएगा। ये थ्रेशोल्ड वैल्यूज़ हैं, तो अगर इसको आप बढ़ा दोगे तो इसकी डार्कनेस बढ़ जाएगी। तो मैं इसको देखो, मैंने इसको बढ़ा दिया तो आप देख सकते हो काफ़ी डार्क हो गया। तो मैं इसको देखता हूँ मैक्सिमम करके, तो इसको मैंने मैक्सिमम कर दिया और भी वैल्यूज़ कर दी। स्केलिंग में आप इसको ओरिजिनल साइज़ रखना, और हॉरिजॉन्टल करोगे तो ये इमेज सेंटर में आ जाएगी। अब उसके बाद आउटपुट में जाना है हमें। आउटपुट में फॉर्मेट में जाके हमें क्या करना है, लिखना है, यहाँ पर सेलेक्ट करना है आर्डिनो कोड कॉमा सिंगल बिट मैप। इसके बाद
यहाँ पे जनरेट कोड करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे, कॉपी करेंगे इसको, और ये फाइल जो मैंने आपको लिंक में दी है आप वहाँ से डाउनलोड कर लो। यहाँ पर जो मेरी इमेज है मैं इसको हटा के अपनी जो अभी नई इमेज हमने बनाई उसको पेस्ट कर देते हैं। ये हमने पेस्ट कर दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो इसका नाम आ गया है, तो आपको नाम सही रखना है, तो ये देख सकते हैं। अभी मैं आपको पूरा कोड समझा रहा हूँ क्या हो रहा है। अभी यहाँ पर हमने एक लाइब्रेरी इंक्लूड की है spi.h, इसके बाद एक लाइब्रेरी और इंक्लूड की है wire.h, इसके बाद हमने ये Adafruit की लाइब्रेरी इंक्लूड की है जो कि ग्राफिक्स को कंट्रोल करती है, उसके बाद हमने उस डिस्प्ले की लाइब्रेरी को डाउनलोड किया हुआ। उसके बाद हमने क्या किया है, डिस्प्ले में ये आपको सेट करना ही होगा बाई डिफ़ॉल्ट, इसमें -1 ही पास करना है। इसके बाद हमने क्या किया है, एक एरे बनाया है जिसका नाम मैंने तहजीब रखा हुआ है, उसके अंदर प्रोग्राम जाके उसके अंदर मैंने ये सारी हेक्सा वैल्यूज़ को इंटर कर दिया है। इसके बाद हम वॉइड सेटअप में आ जाते हैं। वॉइड सेटअप में हमने डिस्प्ले को इनिशियलाइज़ किया, ये पैरामीटर्स दिए इसको और इसका एड्रेस दिया। इसके बाद डिस्प्ले डॉट क्लियर डिस्प्ले, यानी अगर डिस्प्ले पे कुछ पहले से है तो वो क्लियर हो जाएगा। डिस्प्ले डॉट ड्रॉ बिट मैप, इस फंक्शन में हमने जो दो वैल्यूज़ पास किए ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, ये बताते हैं कि जो इमेज है वो किस कोऑर्डिनेट से ड्रॉ होना शुरू होगी, और कौन सी डिस्प्ले है, कौन सी इमेज है उसका नाम दिया हुआ है, ये मैंने उसका नाम दिया। उसके बाद कहाँ पर ख़त्म होगी उसका मैंने एंडिंग पॉइंट दिया है। कलर क्या रहेगा, वाइट, बाई डिफ़ॉल्ट इसका वाइट ही होता है, आप और कोई कलर ट्राई करोगे तो एरर आएगी। उसके बाद ये लूप बंद हो जाता है और यहाँ पर वाइड लूप में आप देखोगे तो ये सॉरी हाँ वाइड लूप में आप देखोगे तो ये खाली है, इसमें कुछ नहीं। तो अभी हम इसको अपलोड करते हैं, तो मैं आपको बाहर से भी यानी डिस्प्ले के कंप्यूटर के बाहर से भी दिखाऊंगा कि जब कोड अपलोड हो रहा है तो डिस्प्ले में क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो अभी मैं बाहर आ गया हूँ, तो आप देख सकते हो बाहर, तो अभी कोड अपलोड हो रहा है इसमें, तो अभी इसमें फोटो है, तो जैसे ये पूरा कोड अपलोड हो जाएगा ये फोटो बंद हो जाए, फोटो की जगह पर लाइक सिंबल आ जाएगा। तो अभी राइटिंग कर रहा है, तो और भी आपको अगर देखना है वीडियो में कि कैसे मैंने इस Adafruit की लाइब्रेरी को डाउनलोड किया है, तो मैं इसकी पूरी सीरीज बना रहा हूँ, वो सीरीज जैसे ही आ जाएगी पूरी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको देख लेना। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर लाइक जो इमेज थी वो आ चुकी है, तो आप मेरे चैनल को लाइक भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच, और बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं, उनको गुड बाय।